भटूरे का यहाँ 3-4 रुपए का आता की प्लेट थी 2 पीस। हाँ जी मेरा मोटो एक इस वीडियो दे थ्रू यही है कि तुसी ये हार्ड वर्किंग है गया, बहुत बुजुर्ग है, सियाने बंदे है, ठीक है जी। सुबह कितने बजे उठ जाते हो? उठते हैं 2:30 बजे। 2:30 बजे उठ जाते हो? बहुत वधिया हुंदे है, डाउन टू अर्थ है गया, सिंपल जे है गया, और इस चीज का मैं टेस्ट टेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इन्हां दी मेहनत और इन्हां दा जज्बा ही है जेड़ा सवेरे 2:30 बजे इन्हां नूं उठा रहा है, ठीक है जी। और 2:30 बजे उठ के सारी प्रिपरेशन खुद करदे है और 5:30-6 बजे इथे आ जांदे है। आपकी उम्र कितनी है आज की डेट में? आज की डेट में होने लगा 55 साल के हो? 55 से ऊपर ही हो आप। देखो जी 55 साल की उम्र में मेहनत कर रहे हैं और अकेले सुबह 2:30 बजे उठ के भटूरे बना रहे हैं। ना छोटा जी रिक्वेस्ट ही है सारे नु कि तुसी इस वीडियो नु शेयर करो, होशियारपुर दे हरेक बंदे को ले वीडियो जाए, हरेक व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक और जिथे तुहाडा लाइक तुहानू लगदा है कि हाँ इन्हां नु प्रमोट होण दी लोड़ है, इन्हां कोल गाहक आवे, ठीक है। सो रिक्वेस्ट ही है, इन्हां दी मेहनत ही है, ठीक है जी। सो तुसी प्लीज इस वीडियो नु शेयर करो। और रामू के भटूरे बस स्टैंड और रूबी क्लिनिक के बिल्कुल पास और जबरदस्त भटूरे हैं। पूरी वीडियो को देखना, स्किप मत करना, बहुत मजा आएगा। और चनों में दही, चटनी, सलाद सब डाला हुआ है भैया ने, और इस जज्बे को सल्यूट है हमारा, ठीक है। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप आओ, इनके पास भटूरे खाओ और इनकी दूसरी लोकेशन पे भी जाओ। दिखावांगा सिर्फ एक छोटी जी काट जो होशियारपुर बस स्टैंड, ये दफ्तर है जी, बस स्टैंड है, आ बस स्टैंड है, ठीक है जी। और ए रोड सीधा जलंधर तो आंदा है और ए मेन बस स्टैंड दी एंट्रेंस हैगी है जिथे आ टेंपू खड़ा है, तुसी देख सकते हो आ पीले कलर दा टेंपू खड़ा है, ठीक है जी। इत्थो बसा जलंधर नू निकल दियां और एंटर हुंदियां, ठीक है जी। ए होशियारपुर बस स्टैंड और ए टैंकी है बस स्टैंड दे बाहर, और टैंकी दे जस्ट बाहर, ठीक है जी, दफ्तर है, सरकारी दफ्तर है जिथे पास वगैरह बनते हैं रोडवेज दे, ठीक है। इत्थे एक रेहड़ी लगती है रामू रेहड़ी वाले, ठीक है जी, जो भटूरे छोले बनाते हैं सवेरे 5:30-6 बजे आके और 2:30 बजे उठते हैं। तुसी वीडियो नू पूरा देखियो, स्किप मत करियो, तुहानू सब कुछ पता लगेगा इन्हां दी मेहनत बारे और पिछले कितने साल तो काम कर रहे हैं, कितने साल तो नहीं, और इन्हां कोल की क्वालिटी है की नहीं, ठीक है जी। सो स्किप मत करियो, पूरी वीडियो पूरी देखियो एंड तक, बहुत मजा आएगा, मैनू इस गल का पता है। देखो जी भटूरा साडा हो रहा है, क्या बात है, गर्मा गर्म भटूरा। और इस चीज़ दी देखो साफ सुथरा हाइजीन कितना है, मैं ये गल कह सकता, क्या बात है जी, क्या बात है। सो रामू भाई, आपका नाम रामू है? हाँ जी। आपका नाम रामू है, आपको यहाँ पे कितने साल हो गए लाइक होशियारपुर में? होशियारपुर में 30 साल हो गए। 30 साल हो गए? हाँ। थोड़ा ऊंचा बोलोगे? 30 साल। 30 साल हो गए? हाँ। और अकेले भटूरे छोले ही बेचते हो या कुछ और भी बेचते हो? नहीं, भटूरे छोले। भटूरे छोले, जब आप आए थे होशियारपुर में तो आप क्या क्या बेचते थे उस टाइम? उस टाइम जामना बेचे हैं। जामना, वो छोटी वाली काली जामुन? हाँ थे। काली जामुन, फ्रूट जो होता है? हाँ, का है? काला फ्रूट। हाँ, क्या गुलाब जामुन? नहीं, जामुन गुलाब जामुन के? गुलाब जामुन मीठे वाली? हाँ, मीठे। अच्छा, मीठा फ्रूट अपने मतलब मिठाई बेची? हाँ। अच्छा, छोटी छोटी। वो उस टाइम कितने रुपए की, कितने पीस बेचते थे? 1 रुपए 20। 1 रुपए 20, मतलब कितनी पुरानी बात कर रहे हो आप। हाँ जी। अच्छा, और मुझे ये बताओ आप कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर के। कानपुर के हो? जिला कानपुर। कोई गांव वगैरह है शहर के? नहीं। हाँ जी, गांव काशीपुर। काशीपुर। और जब आपने भटूरे शुरू किए, कितने साल पहले शुरू किए भटूरे बनाने? भटूरे साल एक साल के बाद, मतलब कि 19 साल पहले। हाँ। और उस टाइम क्या रेट था भटूरों का? भटूरे का यहाँ 3-4 रुपए का आता की प्लेट थी, 2 पीस। हाँ जी। और आज क्या रेट है? आज 30-40 रुपए तक है। 30-40। आप कितने का बेचते हो? मैं तो 30 रुपए बेच रहे हैं। 30 रुपए में 2 पीस? हाँ जी। ठीक है। और सुबह कितने बजे लग जाते हो यहाँ पर? इधर आते हैं 6 बजे करीब। इधर 6 बजे आ जाते हो? हाँ जी। और उसके बाद जो दूसरी जगह है आपकी अरोड़ा स्पेयर पार्ट्स और रूबी क्लिनिक टीबी हॉस्पिटल, उसके पास कितने बजे चल जाते हो? 10 बजे पहुंच जाना है। 10 बजे से कितने बजे तक? 3:30 बजे तक। 3:30 बजे तक भटूरे छोले सिर्फ बस। आपका नाम रामू? हाँ जी। और मतलब रामू के भटूरे छोले हम कह सकते हैं 30 साल पुराने। हाँ जी। आज हमें बना के खिलाओ और हम देखते हैं कि कैसे बनते हैं। कोई नहीं। ठीक है। और आपका हमें एक बार बता दो क्या क्या सामान रखा हुआ है आपने? क्या छोले हैं जी? चने? हाँ, चने। घुमा के दिखाओ थोड़ा हमें, हिला के। देखो जी ये चने है जी, इसके तड़का वगैरह लगा रखा है इसमें सब, टमाटर प्याज का तड़का सब है? टमाटर का नहीं, प्याज का। प्याज का तड़का सिर्फ? ठीक है जी। और इधर तेल है जी, बिल्कुल साफ सुथरा तेल है, हम ये नहीं कह सकते कि
तेल में कोई गंदगी है या कुछ है, बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर मैं कहूंगा। देखो दिखने में साफ लग रहा है, कढ़ाई बिल्कुल साफ है, कोई गंदगी नहीं है। और इधर पेड़े भी ढक रखे हैं, पेड़े दिखाओगे? देखो जी पेड़े भी ढके हुए हैं, प्याज भी काटे हुए हैं। और इधर क्या है? चटनी है। इधर चटनी है, दिखा दो चटनी भी हमें एक बारी। ये देखो चटनी। और इसमें इसमें वो खाली है, वो खाली है। अच्छा, और ये मीठी चटनी है, वो पुदीने की चटनी है? वो पुदीने की है। ये पुदीने की चटनी है, ये मीठी चटनी है। और इधर प्याज काट के रखे हुए है और दही भी रखा हुआ है। क्या बात है, 30 रुपए में दही चटनी और चने। तो आप बनाओ हमारे लिए भटूरे। मैं ना बात कर रहा था भैया से कि भैया कैसे सब मैनेज करते हो, तो खुद बता रहे कि मैं अकेला करता हूँ। सुबह कितने बजे उठ जाते हो? ढाई बजे उठ जाते हो। और सोते कितने बजे हो? 8-8:30 बजे सो जाते हो और सुबह 2:30 बजे उठते हो। ये आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत को सलाम। और बहुत तगड़ा बोए होए 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 सो बहुत तगड़ा रश है। साडा भटूरा बेल हो गया जी पूरा और ये जाएगा तेल दे विच। क्या बात है जी, इसको कहूंगा ये मेहनत वाले भटूरे हैं। इसका कोई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, मैं इसका टेस्ट रिव्यू नहीं कर सकता, ना इसको मैं बता सकता है कि ये लाइक कहाँ पे रैंक करता है, इसको कितने नंबर दूंगा, क्वालिटी क्या है। क्योंकि आपकी उम्र कितनी है आज की डेट में? आज की डेट में होने लगा 55 साल के हो? 55 से ऊपर है। 55 से ऊपर ही हो आप। देखो जी 55 साल की उम्र में मेहनत कर रहे हैं और अकेले सुबह 2:30 बजे उठ के भटूरे बना रहे हैं और हमें सुबह खिला रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरे और फ्रेश, बिल्कुल हाइजीन हम कह सकते हैं, बिल्कुल कवर करके सब कुछ रखा हुआ है। और इस जज्बे को सल्यूट है हमारा, ठीक है। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप आओ, इनके पास भटूरे खाओ और इनकी दूसरी लोकेशन पे भी जाओ। ये चने डालने लगे हैं जी अब। ये देखो एक कटोरी आ गई, ये चने आ गए, ठीक है जी। और इसके ऊपर अब आएगा प्याज और मूली और हल्की जी चटनी, और चटनी के बाद ये आ गया जी लाल चटनी और हल्का सा दही, ठीक है जी। बस। सो ये दही इसको टेस्ट को नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा और ये भटूरा हमारा हो गया रेडी, ठीक है जी। क्या बात है, शानदार भटूरा। और मेरे को पता है इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। इसका टेस्ट इसलिए बढ़िया है क्योंकि मैं इसको कितने 8 साल हो गए खाते हुए, 8 साल। इनको भी पता है कि मैं 8 सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ और खा रहा हूँ। यहाँ नहीं आ रहा लेकिन वहाँ जा रहा हूँ, रूबी हॉस्पिटल के पास ना, रूबी क्लिनिक के पास। सो साडा भटूरा रेडी हो गया जी। क्या बात है, लाजवाब, मजेदार। और देखो जी एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, तेल से निकाला है भटूरा और भटूरे के ऊपर मेरे को तो तेल फील नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अगर हाँ मेरे को नहीं हो रहा, हल्का थोड़ा बहुत तेल तो आएगा ही, तेल से निकला है, मेरे को तेल बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। क्या बात है जी, ठीक है। और हल्का सा तेल, बिल्कुल हल्का सा तेल आया, कोई ज्यादा तेल नहीं आया। हमारी ये प्लेट रेडी है जी। इसका रेट है 2 भटूरे 30 रुपए, 2 भटूरे 30 रुपए के। आ गई जी मिर्च भी फ्राई करन दी फैसिलिटी इत्थे हैगी है, तुसी मिर्च भी फैसिलिटी अपनी फ्राई करवा सकते हो। क्या बात है। सो इत्थे जी रामू अंकल को कुछ रेगुलर गेस्ट आए, ठीक है। मैं उन्होंने पूछा कि तुसी रिव्यू दोगे तो कहते असी नहीं गल करनी। मैं क्या मैं कुछ उदा थोड़ी ना कोई बंदा हैगा, मैं इन्हों प्रमोट कर रहा, उन्होंने दसिया। स्टिल दे साइड कि नहीं साड़ी वीडियो ना बनाओ, साड़ी वीडियो ना बनाओ। चलो कोई चक्कर नहीं, नहीं आपा बनांदे। मेरा मोटो एक इस वीडियो दे थ्रू यही है कि तुसी ए हार्ड वर्किंग हैगे है, बहुत बुजुर्ग है, सियाने बंदे है, ठीक है जी। मैं इन्हां कोल 2014-15 खाने शुरू किए थे भटूरे, जो मैं ईजी डे थले कैफे गैलेटेरिया हैगा उत्थे जॉब करता हुंदा सीगा। ते साडा ब्रेकफास्ट अमूमन इत्थे ही हुंदा सी हमेशा, ठीक है। सो बहुत वधिया हुंदे आ, डाउन टू अर्थ हैगे आ, सिंपल जे हैगे आ। और इस चीज का मैं टेस्ट टेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इन्हां दी मेहनत और इन्हां दा जज्बा ही है जिहड़ा सवेरे 2:30 बजे इन्हां नूं उठा रहा है, ठीक है जी। और 2:30 बजे उठ के सारी प्रिपरेशन खुद करदे आ और 5:30-6 बजे इत्थे आ जांदे आ। उस तो बाद रूबी क्लीनिक जिथे हैगा टीवी हॉस्पिटल उत्थे चल जांदे आ। सो मेरा एक कहना छोटा जी रिक्वेस्ट ही है सारिया नूं कि तुसी इस वीडियो नूं शेयर करो, होशियारपुर दे हरेक बंदे कोल ये वीडियो जाए, हरेक वट्सएप ग्रुप फेसबुक और जिथे तुहाडा लाइक तुहानूं लगता है कि हाँ इन्हां नूं प्रमोट होण दी लोड़ है, इन्हां कोल गाहक आवे, ठीक है। सो रिक्वेस्ट ही है, इन्हां दी मेहनत ही है, ठीक है जी।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਦੇਖੋ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 5, 5:30, 6 ਵਜੇ ਰੇਡੀ ਲਾਣੀ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰੂਬੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀ ਵੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਉਹਦੇ ਜਸਟ ਬਾਹਰ ਰਾਮੂ ਭਟੂਰੇ ਛੋਲੇ ਵਾਲੇ